गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं संजू शर्मा आपके सामने नेट के लिए कुछ टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें से आज का टॉपिक है हमारा जो फर्स्ट पेपर है हमारा अनिवार्य है, वही हमारा अनिवार्य पेपर चल रहा है। तो उसके अंदर मैं जो टॉपिक पढ़ा रही थी वो था हमारा शिक्षा और शिक्षण। शिक्षण के अंदर आज मैं आपको शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की प्रकृति, इसके बारे में बच्चों अध्ययन करवा रही हूँ। हमारा जो नेट का पेपर होता है उसके अंदर शिक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके अंदर से बच्चों हमारे दो या तीन प्रश्न हमारे बहुत शॉर्टली उसमें से पूछे जाते हैं। अब ये जो आज मैंने आपको विशेषताएं लिखी हैं, इन विशेषताओं को मैं आपको शॉर्ट में आज इसका वर्णन बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन प्रत्येक विशेषताओं का वर्णन मैं आगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में करती जाऊंगी। यानी कि एक एक अपनी जो विशेषताएं हैं उनका विस्तार से वर्णन मैं प्रत्येक वीडियो में करूंगी, क्योंकि हमारी ये विशेषताएं पूरे शिक्षण के ऊपर, जो शिक्षण की विशेषताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर हमसे दो या तीन प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों हम मान सकते हैं कि हमारे जहाँ प्रत्येक प्रश्न हमारा दो अंक का होता है, तो अगर हमारे तीन प्रश्न भी आते हैं और तीन प्रश्न भी हमारे सही होते हैं तो हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। साथ में मैं आपको जो एजुकेशन का हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें भी मैं आपको वापस एक बार एक चीज दोहराना चाहती हूँ कि जो हमारी शिक्षा से संबंधित होता है, शिक्षा और शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो हमारे सेकंड पेपर में भी रिपीट हो जाता है। तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखो, जो शिक्षण का टॉपिक है। और मैं ये नहीं कह रही, नेट तो आपके लिए हमने टारगेट रखा ही है, लेकिन आपने देखा है कि शिक्षा और शिक्षण का टॉपिक आपके बीएड में भी चलता है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसे आप ध्यान से देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण की विशेषताएं, कि शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होती है, वो किस प्रकृति के आधार पर कार्य करता है, इसके आधार पर हम वर्णन करने जा रहे हैं। पहला है हमारा बौद्धिक गतिविधि, यानी कि शिक्षण किस पर आधारित होती है, बौद्धिक पर, यानी हमारी बुद्धि पर। इसके लिए हम कहते हैं कि जो शिक्षण हमें करवाते हैं शिक्षार्थी के लिए, जब शिक्षक ये शिक्षण करवाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है बौद्धिक गतिविधि। यानी कि शिक्षा, जब हम शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, उसे संचालित करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए हम विधि का प्रयोग करते हैं, ये सब हम किसके आधार पर करते हैं, बौद्धिक गतिविधि। यानी कि वो ये चीज देखते हैं कि जब छात्र को सिखाया जा रहा है तो हम ये देख, शिक्षक सिखाने से पहले ये देखेगा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार है या नहीं। यानी प्रत्येक को अपने उद्देश्य को अगर निर्धारित करेगा तो वो किस आधार पर करेगा, उनकी बौद्धिक स्तर के आधार पर। एक हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण क्या, शिक्षण के द्वारा, आपने ये चीज देखी कि शिक्षण के द्वारा शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन लाते हैं, और जब तक हमारा शिक्षण उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमारा उद्देश्य नहीं होगा, हमारा विषय वस्तु नहीं होगा, तो क्या हम शिक्षार्थी के अंदर वो परिवर्तन लाना चाहेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। तो अगर शिक्षार्थी के अंदर शिक्षक को वांछित परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है हमारा बौद्धिक गतिविधि, यानी कि उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार हमें उस उद्देश्य को निर्धारित करना होता है, और उसके लिए उसी आधार पर हमें विभिन्न तरीके की हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होता है। हम उसका मूल्यांकन भी उसी आधार पर करते हैं, उसका जो संचालन करते हैं वो भी हम उसी आधार पर करते हैं, यानी कि जो हम प्रारूप पूरा तैयार करते हैं वो हम बौद्धिक स्तर पर करते हैं। बौद्धिक स्तर के लिए हम कहेंगे कि मानसिक विशेषताएं होती है, बौद्धिक का मैंने कहा मानसिक योग्यता है, तो ये हमारे एक मानसिक विकास की जो विशेषताएं हैं वो इसके अंदर होती है। हम ये कहें कि नए विचारों का अगर हम विकास चाहेंगे तो वो भी बौद्धिक क्षमता के अनुसार होता है। हम कहें विचारों की अभिव्यक्ति चाहिए, हमारी जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं उनका विकास भी हमारे किसके आधार पर होता है, बौद्धिक विकास के आधार पर। तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो शिक्षण होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है बौद्धिक गतिविधि। ये बौद्धिक गतिविधि के बिना हम हमारा जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया को ना निर्धारित कर सकते हैं ना हम उसे संचालित करते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड जो है हमारी मूलभूत शिक्षा,
कुशल प्रतिरूप। मूलभूत हमारे जो बौद्धिक गतिविधि है बच्चों, इसमें हमारे इतना ही रहता है कि हमारी ये स्थिति संज्ञानात्मक है, ये हमारी मानसिक है, ये हमारे जो शिक्षार्थी है उसके अंदर वांछित परिवर्तन लाती है, ये हमारे शिक्षण गतिविधि की विशेषता है। तो प्रथम हो गई हमारी शिक्षण गतिविधि, दूसरा है हमारा मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब जानते हैं हम, कहते हैं मॉडल, यानी कि हम जब किसी चीज का प्रतिरूप बनाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब हम शिक्षण का मूलभूत प्रतिरूप बनाते हैं तो उस प्रतिरूप में हम दो चीजों का समावेश करते हैं। जो प्रतिरूप है वो दो होते हैं इसके, किसके आधार पर, पहला प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा हमारा शिक्षार्थी केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित क्यों है, क्योंकि शिक्षक हमें क्या करते हैं, प्रशिक्षक देते हैं, हमें प्रशिक्षण देते हैं। तो इनका मानना है कि प्रशिक्षक केंद्रित में शिक्षण की जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है, इसमें हम देखें कि शिक्षक का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो गति है, जो सामग्री है, हमारी जो प्रविधि और जो पूर्ण नियंत्रण रखते हैं वो हम किसके आधार पर रखते हैं, कौन रखता है, शिक्षक। अगर शिक्षक इस तरीके से शिक्षार्थी को सीखने के लिए अगर पूर्णतया शिक्षक पर आश्रित रहता है, हम मानते हैं शिक्षार्थी किस पर आश्रित रहते हैं, शिक्षक पर। हमने देखा है कई बार ऐसे होता है कि हमारे शिक्षक हमारे आइडल बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनकी चीजें हमें पसंद आती हैं और हम चाहते हैं कि हम भी हमारे शिक्षक जैसे बने। यानी कि शिक्षार्थी कहीं ना कहीं शिक्षक के ऊपर आश्रित हो जाता है, या कहें कि उसे हमारे सीखने का एक, जो सीखते हैं बच्चे वो शिक्षक के द्वारा सीखते हैं, सीखने के लिए वो शिक्षक के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो ये तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, किसके द्वारा सिखाना है, या सीखने की प्रक्रिया का हम मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रशिक्षक। अगर शिक्षक प्रशिक्षित अच्छे होंगे वो उसी तरीके से हमारा मूल्यांकन करेंगे, हमें सिखाएंगे। और फिर आप जानते हैं कि जब ये प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण हमें दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, शिक्षार्थी सीखेंगे। तो शिक्षार्थी को सिखाने के लिए, अच्छे से ट्रेन करने के लिए शिक्षक को इन सब चीजों के लिए स्वयं को भी प्रशिक्षित होना होता है, और वो प्रशिक्षण भी कर बच्चों को इसी चीज का प्रशिक्षण भी देते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रक्रिया का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसके लिए हमारे शिक्षकों को पहले से प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी प्रशिक्षक जो पहले से प्रशिक्षित होंगे तभी वो बच्चों का सही मूल्यांकन करेंगे, हमें सिखाने की सही विधियों का प्रयोग करेंगे, उनके जो मानसिक स्तर उसी के आधार पर वो हमें सिखाएंगे। तो ये है हमारा जो प्रशिक्षक केंद्रित, दूसरा होता है हमारा शिक्षार्थी केंद्रित। मैंने बताया कि जो प्रशिक्षण हमें मिलता है किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, तो उसके लिए मेन फोकस जो होता है शिक्षक का वो कौन होते हैं, शिक्षार्थी। यानी कि प्रत्येक जो गतिविधियां जो शिक्षक करते हैं सिखाने के लिए, उसका फोकस ओनली कौन होते हैं, शिक्षार्थी। यानी कि उनका जो उद्देश्य उन पर ये रहता है कि मैं ऐसा सिखाऊं कि मेरे जो मेरे शिष्य है वो एक तरीके से हर चीज में पारंगत हो जाए। तो इसके लिए कहते हैं कि शिष्य, इसके लिए हम जो हमारे शिक्षक होते हैं वो फोकस रखते हैं अपने शिष्य पर, शिष्य केंद्रित, या हमारे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी क्या करते हैं, हक्षों को अधिकतर आत्मनिर्देशित होते हैं, और आत्मनिर्देशित करने के लिए वो स्वयं को उत्तरदायी मान जाते हैं, क्योंकि वो किससे सीखे हुए होते हैं, शिक्षक से सीखे हुए। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जहां हम ये कह दें कि शिक्षार्थी को ये कार्य करना है, तो शिक्षार्थी उसके लिए स्वयं को इस चीज का उत्तरदायी मानने लग जाता है कि ये कार्य तो मेरे द्वारा संचालित है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसकी विवेचना में हमें उसकी जो हम विवेचना करते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे कि क्या चीज है। यानी कि जो शिक्षक हमें सिखाते हैं और शिक्षार्थी पर उसका असर होता है, तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि सिर्फ यही चीज नहीं होता है कि वो शिक्षार्थी किस तरीके से आत्मनिर्देशित हुआ है, उसमें ये भी है, उसकी विवेचना हम करेंगे, उसकी व्याख्या अगर हम करने बैठेंगे तो हम ये सीखेंगे बच्चे ने सीखा कहाँ से है, किसके द्वारा सीखा है, इस चीज की भी हम विवेचना करते हैं। यानी स्वयं निर्धारित करते हैं, इसके लिए कहें कि शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है, और शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन और सुगम वातावरण तैयार करते हैं, उनके जो स्वयं
दृष्टिकोण की विशेषता होती है। हमने कई बार देखा है कि हम बच्चों को ये कह देते हैं कि आज हम आपको खुद को स्वयं को ऑब्जर्वेशन करना है शिक्षार्थी के लिए, तो वो प्रत्येक कार्य स्वयं पर आधारित होकर वो स्वयं उस कार्य को करता है, स्वयं उसका मूल्यांकन करेगा और स्वयं को इसमें क्या होता है शिक्षार्थी केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वो जो कार्य पहले जहाँ शिक्षक कर रहे थे उस कार्य को पूरा कौन कर रहा है शिक्षार्थी, क्योंकि शिक्षक ने इस चीज के लिए उसे प्रशिक्षण दे दिया कि आपको ये कार्य ऐसे करना है, तो उसके अंदर वो स्वयं निर्देशित स्वयं अपने आधार पर उसके लिए मूल्यांकन भी करेंगे और कार्य भी करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है शिक्षार्थी मेन होता है। तो सेकंड थी हमारी मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। तीसरा है हमारा शिक्षण के विभिन्न स्तर। मैंने पहले भी आपको शायद बीएड वाले बच्चों को मैंने बताया था कि हमारे शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, कौन कौन से सीखने के जो हमारे स्तर होते हैं शिक्षण के, कि किस किस तरीके से बच्चा सीखता है, जो ये बौद्धिक स्तर होते हैं हमारे, जैसे कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में इनके जो वर्णन है वो भी बताया था मैंने, लेकिन फिर मैं एक बार आपको वापस रिपीट करवा दूंगी। इसके लिए स्मृति स्तर के लिए हमने देखा है कि जहाँ बच्चे जिस चीज को याद करते हैं स्मृति स्तर के अंदर होता है। इसके प्रवर्तक भी मैंने बताए थे, इसके प्रवर्तक हर्बर्ट है। इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो प्रारंभिक वातावरण होता है, प्रारंभिक चरण होता है ये स्मृति स्तर, क्योंकि ये बच्चों को हम क्या करते हैं कंठस्थ करते हैं, स्मृत करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं इस चीज में। तो यहाँ जो स्मृति स्तर है हमारी, जो हम उद्दीपन प्रक्रियाएं करते हैं शिक्षण अधिगम में, जो उद्दीपन प्रक्रियाएं करते हैं हम, वो प्रक्रियाएं हमारी किसके द्वारा होती है स्मृति स्तर के द्वारा। और अवबोध के बाद में हम क्या करते हैं, जहाँ हमने जो सीखा है यानी कि याद किया है उसकी अवबोध में हम क्या करते हैं पहचान करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था कि स्मृति स्तर में हम याद करते हैं, अवबोध में हम क्या करते हैं उसका पहचान करते हैं, जो सीखी हुई चीजें हैं हम उनका उनकी पहचान करते हैं और फिर हम उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। ये तीन स्तर हैं और तीनों का वर्णन मैं आपको पूरी तरह से नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक स्तर का वर्णन करके बताऊंगी। फिर आता है हमारा शिक्षण पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के अनुसार, यानी कि शिक्षण जब कार्य शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है तो पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया हम करते हैं वो प्रक्रिया किसके आधार पर करते हैं पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के आधार पर हम उस चीज को निर्धारित करते हैं, यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षण सामग्री के मध्य जो हमारी निर्धारित होती है पाठ्यक्रम क्रिया संसाधन, हम उसका मूल्यांकन वो सब कुछ हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के आधार पर करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो अधिगम हम करवाते हैं इसमें अधिगम अनुदेशन किस तरीके से करवाते हैं वो सारा हमारा पाठ्यक्रम पर आधारित है, क्योंकि शिक्षक के लिए कहा गया है ना कि आज की जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है त्रिध्रुवीय, जिसके ऊपर शिक्षार्थी पाठ्यक्रम और शिक्षक तीनों इसके अहम हिस्से होते हैं। ना तो शिक्षक बिना पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएगा और ना ही शिक्षार्थी उस ज्ञान को बिना पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रहण करेंगे। तो हमारी जो शिक्षण है शिक्षण व्यवस्था वो किस पर आधारित है हमारी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर, उसी के आधार पर हमारी जो स्कूल की जो गतिविधियां होती है सह गतिविधियां होती है उन्हें किस तरीके से निर्धारित करना है वो सब कुछ प्रक्रिया हमारी हमारे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर आधारित होती है कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी क्रियाएं करवानी है। फिर आता है हमारा वातावरण गतिशील, यानी कि जो शिक्षण क्या है शिक्षण के लिए कहा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी निरंतर होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, जो कि आगे बढ़ती रहे। अब आगे बढ़ने के लिए इसको गतिशील बनाने के लिए इसमें हमारे दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, चर होते हैं तीन, जो मैं आपको अभी ओरली बता रही हूँ, जैसे स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हमारे जो चर, इसमें दो चरों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रथम जो होता है स्वतंत्र चर होते हैं हमारे कौन, हमारे शिक्षक, और आश्रित चर होते हैं हमारे शिक्षार्थी, और हस्तक्षेप चर तीसरा जो चर है हस्तक्षेप चर, वो चर होते हैं कि जब हम शिक्षण प्रक्रिया में हम जब कार्य करते हैं तो उसके अंदर किस किस रूप में हस्तक्षेप मीन्स बाधा हमारे लिए जो बनकर आती है परेशानी बनकर आती है, ये तीन चर होते हैं। इसमें कहते हैं शिक्षण की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए ये तीन चर सबसे महत्वपूर्ण है। इनका वर्णन भी हम आगे से करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इसकी नॉलेज दी है कि स्वतंत्र चर हमारे शिक्षक होते हैं, आश्रित चर हमारे शिक्षार्थी होते हैं, और हस्तक्षेप चर होते हैं जो हमारे शिक्षण के अंदर जो हमारे विभिन्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं वो हमारे आश्रित चर होते हैं। फिर आता है कि शिक्षण को प्रभावित करने में उसकी एक विशेषता उसका राजनीतिक वातावरण भी होता है।
अब राजनीतिक वातावरण की बात करते हैं तो बच्चों हमें राजनीति से हमारा शासन याद होता है कि किस तरीके से हमने ये भी देखा है कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया पहले कैसी थी, आज कैसी है और अब कैसी होगी। तो इस चीज का हम वर्णन करते आ रहे हैं। तो इससे हमें एक राजनीति अगर स्वरूप देते हैं तो इसमें वही चीज समाहित होगी जहाँ हमने ये पढ़ा था कि एकतंत्र शासन, फिर हमने पढ़ा था लोकतंत्र शासन, और फिर हम कहें कि हस्तक्षेप रहित शासन जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। आज का जो हमारा लोकतंत्र शासन है ऐसे ही आज की हमारी जो शिक्षा है वो भी लोकतंत्र। आपने देखा है कि जहाँ जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी वो हमारी जहाँ शिक्षक प्रधान थी तो वो उसी तरीके से थी जैसे राजा प्रधान होता है एक तंत्र शासन। तो इन्हीं चीजों का इसमें कहते हैं कि ये तीन शासन अनुरूप भी राजनीति को गतिशील बनाते हैं, आगे बढ़ाने में शिक्षण को जो इनकी विशेषताएं होती है वही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए बताया गया कि ये हम जो इसके स्वरूप है हमारा हमारे शिक्षण का वो भी हमारा हमको इसको आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर आता है शिक्षण एक सल व्यवसाय। हमने देखा है कि हमारी जो आज की शिक्षा है वो कैसी शिक्षा का रूप ले चुकी है, व्यावसायिक शिक्षा का, ये भी हम मानते हैं क्योंकि आज के शिक्षार्थी ऐसी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जो शिक्षा हमें आगे जाकर हमारे जीविकोपार्जन का साधन बने। हम एक तरीके से व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण करने की, हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करने की सोची थी वो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने अपनी एक बेसिक शिक्षा के रूप में जिसमें हस्त कौशल का इन्होंने वर्णन किया था, ये इस तरीके के पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया था। तो ये क्यों था, क्योंकि ये एक शिक्षा को व्यवसायी बनाना चाहते थे। तो बच्चों ये हमारी व्यवस्था जो हमारी विशेषता है इसकी शिक्षण की वो महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आज की हमारी जो शिक्षण की विशेषता है वो क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सन व्यवसायी शिक्षा है। तो ये हमारी क्योंकि इसके द्वारा ही शिक्षा यानी कि आज के टाइम पे हम शिक्षा वही लेना चाहेंगे जो हमारी आवश्यकता होती है, यानी कि आवश्यकता के आधार पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हम मानते हैं कि जब तक जो शिक्षा हमारे जीविकोपार्जन का साधन ना बने या भविष्य में काम आने वाली ना बने तब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए इसको संव्यवसायी शिक्षा भी बनाने की, संव्यवसायी जो शिक्षा बनी है ये भी हमारी एक शिक्षण की विशेषता होती है कि किस तरीके से इसे हमने संव्यवसायी बनाई गई है और यही व्यवसायी शिक्षा हमें काम देने वाली है, हमारे जीवन में आगे काम देने वाली है। तो इसका जो विभिन्न वर्णन है वो अपन आगे करेंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि जो शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम तीनों हमारे इस शिक्षा में होता है कि जैसा हम सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, जैसा हम सीखते हैं, जैसा हम हमें सिखाते हैं, ये तीनों चीजें हमें भी इस पर आधारित होती है कि किस तरीके का हमने सीखा है या किस तरीके से हमें सिखाना है या किस तरीके से हमें आगे से काम में लेना है। तो ये हमारे एक व्यवसाय में आ गया है। फिर आता है हमारा शिक्षण एक कला एवं विज्ञान। ये हम मानते हैं कि शिक्षा क्या है, हमारी एक कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे है हमारी शिक्षा कि जब हमने इसे ज्ञान को जो व्यवस्थित बनाया है वो हमारा एक क्या है, विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से हमने जो आज हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है वो भी हमारे विज्ञान की देन है। या हम कहें जहां हमने हमारी आवश्यकताओं को हमारे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि आज का जो हमने देखा है कि आज का हमें जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान पूर्ण रूप से हमें कैसा मिलता है, पूर्ण रूप से वो ज्ञान हमें जहाँ से ये कहे कि वैज्ञानिकों से जांचा परखा हुआ प्राप्त ज्ञान है, क्योंकि हम विषय विशेषज्ञों के द्वारा उस ज्ञान को लेते हैं। तो ये ज्ञान हमारी एक विज्ञान, क्योंकि आज का ज्ञान सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं रहा है, आगे ये हमारे विज्ञान के क्षेत्र में भी एक काम में आने लगा है। तो कहते हैं कि शिक्षण जो हमारे आज की स्थिति सार्वभौमिक स्थिति पैदा हुई है कि हम ज्ञान वही लेते हैं। ज्ञान का हमने देखा भी था कि ज्ञान कौन सा होता है, सार्वभौमिक। अगर ज्ञान सत्य है तो वही उसी चीज का इसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि विज्ञानी वैज्ञानिकों के द्वारा वो हमारी परिशुद्धता से जांचा हुआ एक शुद्ध ज्ञान होता है और उसी ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। और कला तो ये हमारी है ही, क्योंकि अगर हमने हस्त कौशल में या हम कहें हम जो कौशलात्मक ज्ञान लेते हैं वो हमारी कला में आता है। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारा केवल विज्ञान ही नहीं, ये ज्ञान हमारा एक कला भी है। शिक्षण को हम कह सकते हैं कि शिक्षण हमारा शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण कला भी है और विज्ञान है। तो बच्चों ये थी हमारे आज
माने जा रही थी शिक्षण अभिवृद्धि अभिक्षमता जो प्रथम पेपर है उसमें से कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है। बार बार मैं इस चीज का दोहरान कर रही हूँ कि आप इस चीज को जो हमारे शिक्षण की विशेषताएं हैं इसे आराम से और ढंग से जो मैंने आपको लिखवाया है ब्लैक बोर्ड पर इसे जरूर नोट करें और प्रत्येक जो इसकी विशेषताएं हैं उनका वर्णन भी मैं आगे चाहे छोटा करूंगी और आराम से एक एक विशेषताओं का वर्णन करूंगी क्योंकि प्रत्येक विशेषता में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से प्रत्येक वर्ष 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस चीज पर आप ध्यान दें और जो मैंने लिखवाया है उसे नोट करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।